बिस्मिल्लाहमान रहीम असल डियर स्टूडेंट्स इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड टेन टुडे आर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स एंगल की डेफिनेशन समझते हैं एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट स्टूडेंट्स दो नॉन कोलिनियर रेज की यूनियन को एंगल कहते हैं अगर उसका कॉमन एंड पॉइंट सेम हो द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द एंगल अब यहां पर स्टूडेंट एक एंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ दो नॉन कोलिनियर रेज है इसमें और उनकी यूनियन है और इसका एक कॉमन एंड पॉइंट है अब ये कॉमन एंड पॉइंट ओ है ओ ए एक रे है और ओ बी एक रे है इन दोनों रेस की यूनियन से ये एंगल बना है अब यहाँ पे स्टूडेंट्स तलब बात ये है कि इनिशियल साइड जहाँ से रोटेशन स्टार्ट होगी वो इनिशियल साइड क्या लाती है तो ओ इनिशियल साइड है और इनिशियल साइड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होती है अब रोटेशन करके ये रे यहाँ तक पहुँच गई अब जहां पे रोटेशन ख़त्म होगी वो टर्मिनल साइड कहलाती है अब इस एंगल में जो रोटेशन हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है ये एरो शो कर रहा है हमें जो कि एंगल के सिंबल में मैंने बनाया है कि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है जिस साइड पे क्लॉक की सुई घूमती है उसके ऑपोजिट रोटेशन हो रही है तो जब भी रोटेशन एंटी क्लाक होगी तो मईरमेंट ऑफ एंगल हमेशा पॉजिटिव होगी अब इस फिगर में देखें इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है लेकिन अब यहाँ पे रोटेशन क्लॉकवाइज हो रही है जहाँ तक रोटेशन हुई वो साइड टर्मिनल साइड कहलाएगी। अब चूंके रोटेशन क्लॉकवाइज हो रही है तो एंगल की मैयरमेंट डेफिनेटली नेगेटिव होगी तो स्टूडेंट्स रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एंगल को मैयर करने के लिए अगर रोटेशन एंटी क्लाक होगी तो एंगल पॉजिटिव होगा और अगर रोटेशन क्लॉक होगी तो एंगल नेगेटिव होगा जी स्टूडेंट्स अभी तक स्टूडेंट्स आपने एंगल को डिग्री में या डेसिमल फॉर्म में मैयर किया है अब हमने एंगल की मैयरमेंट पढ़नी है सेक्सा जैसीमल सिस्टम में जिसको हम डिग्री मिनट और सेकंड्स फॉर्म का एंगल भी कहते हैं अब डिग्री पहले समझते हैं डिग्री क्या होता है वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इन टू थ्री सिक्सटी इक्वल आर्स क्योंकि एक सर्कल का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है तो हम सर्कल के सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर सकते हैं द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय वन आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड इज डिनोटेड बाय 1 ये डिग्री का सिंबल है अब जब हमने स्टूडेंट्स एक सर्कल को 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड किया तो डेफिनेटली एक आर्क से जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो वन डिग्री होगा द सिंबल्स वन डिग्री वन के ऊपर एक डैश है जब एक डैश होगी तो इसको तो हम पढ़ेंगे वन मिनट एंड वन सेकेंड आर यूज टू डिनोट अ डिग्री अ मिनट एंड अ सेकेंड रिस्पेक्टिवली दस सिक्सटी सेकेंड मेक वन मिनट अब इसको सिंबल में लिखें तो सिक्सटी सेकेंड हैं तो सिक्सटी के ऊपर डबल डैश आएगी ये इक्वल होता है वन मिनट के तो वन के ऊपर सिंगल डैश आएगी इसी तरह सिक्सटी मिनट्स मेक वन डिग्री इसको सिंबल में लिखें तो सिक्सटी मिनट इज इक्वल टू वन डिग्री अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम स्केल समझेंगे क्योंकि अभी हमने आगे कन्वर्जन करनी है डेसिमल फॉर्म के एंगल को डिग्री मिनट सेकंड्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है और अगर हमें एंगल डिग्री मिनट सेकंड्स फॉर्म में दिया होगा तो उसको डेसिमल डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये स्केल समझना बहुत जरूरी है अब यहां पे मैंने लिखा है सिक्सटी सेकंड्स इज इक्वल टू वन मिनट अगर मैं यहां से वन सेकेंड की वैल्यू निकालना चाहूं तो बोथ साइड्स पे मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा 60 डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय 60 मिनट अब ये 60 60 से कैंसल हो जाएगा तो वन सेकेंड इज इक्वल टू वन बाय 60 मिनट यानी आपने सेकंड्स को जब मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 पे डिवाइड कर देना है अब फॉर एग्जांपल हम 30 सेकंड्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 30 से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे वन मल्टीप्लाई बाय थर्टी तो थर्टी सेकेंड आ जाएगा वन बाय सिक्सटी को थर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी ओवर सिक्सटी मिनट आ जाएगा अब थर्टी डिवाइडेड बाय सिक्सटी को सिम्प्लीफाई करें तो ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा थ्री की सिक्स के साथ कटिंग होगी थ्री वन जार थ्री थ्री टू जार सिक्स तो वन बाई टू मिनट्स या इसको हम पॉइंट फाइव मिनट भी लिख सकते हैं या हाफ मिनट भी कह सकते हैं अब स्टूडेंट्स हमें ये मालूम है कि सिक्सटी सेकेंड्स वन मिनट के इक्वल होता है तो यहां हमने थर्टी सेकेंड्स की वैल्यू फाइंड की तो वो डेफिनेटली हाफ मिनट के इक्वल ही होना था तो जब भी आपने सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो सिक्सटी पे डिवाइड करना है और अगर मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे अब इसी तरह सिक्सटी मिनट्स मेक्स वन डिग्री अब यहाँ से अगर वन मिनट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम बोथ साइड्स पे सिक्सटी से डिवाइड कर देंगे सिक्सटी डिवाइडेड बाय सिक्सटी मिनट इज़ इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय सिक्सटी डिग्री ये सिक्सटी सिक्सटी से कैंसिल हो जाएगा तो वन मिनट इज़ इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय सिक्सटी डिग्री इट मीन्स कि आपने अगर मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 पे डिवाइड कर देना है और अगर डिग्री से मिनट में आना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे अब फॉर एग्जांपल हमने यहां पे 30 मिनट्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो बोथ साइड्स पे 30 से मल्टीप्लाई कर दें वन को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिनट्स आ जाएगा वन बाय सिक्सटी को थर्टी से मल्टीप्लाई करें तो थर्टी डिवाइडेड बाय सिक्सटी डिग्री आ जाएगा तो थर्टी मिनट इक्वल होंगे थर्टी डिवाइडेड बाय सिक्सटी वन बाय टू आएगा वन बाय टू को डेसिमल में लिखें तो जीरो पॉइंट फाइव डिग्री आ जाएगा तो थर्टी मिनट्स की वैल्यू आ गई हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव डिग्री तो स्टूडेंट्स ये स्केल आपने जहन नशीन करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से क्योंकि जब भी हमने एंगल्स की कन्वर्जन करनी होगी तो इस स्केल का बहुत अहम रोल है जी स्टूडेंट्स अब रेडियन मैयर ऑफ एन एंगल अब हमने एंगल को रेडियन में मैयर करना है इस सिस्टम को हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं अब रेडियन की डेफिनेशन समझते हैं द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड वन रेडियन अब स्टूडेंट्स जब रेडियस की मेयरमेंट और आर्क की लेंथ इक्वल होगी तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज कॉल्ड वन रेडियन अब यहां पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें ओ ए एक रेडियस है और ए पी आर्क की लेंथ है तो एंगल ए ओ पी वन रेडियन के इक्वल होगा इफ मैरमेंट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मयरमेंट ऑफ ए पी अब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस में रिलेशन क्या बना चूंकि लेंथ ऑफ आर्क रेडियस की मेजरमेंट के इक्वल है तो लेंथ ऑफ आर्क को हम एल लिखें तो रेडियस की मेजरमेंट भी चूंकि सेम है तो इसको भी हम आर की बजाय एल लिख सकते हैं तो एल एल से कैंसल हो जाएगा तो एंगल हमारे पास आ जाएगा वन रेडियन अब स्टूडेंट्स रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज अब स्टूडेंट्स एक सर्कल जो होता है वो एक आर्क है क्योंकि जब हम कंपस को सेंटर पे रख के आर्क ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जांपल हमने सेंटर ओ पे कंपस रखी अब आर्क ए पी तक ड्रॉ करके छोड़ दें या इस सर्कल को कंप्लीट कर दें तो ए पी भी एक आर्क है और कंप्लीट सर्कल इज आल्सो एन आर्क अब जब हम कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं तो कंप्लीट सर्कल की लेंथ वही होगी जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है तो कंप्लीट सर्कल जो कि एक आर्क है उसकी लेंथ हो जाएगी टू पाई आर क्योंकि सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्कल भी टू पाई आर होता है अब जब कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ आर्क टू पाई आर के इक्वल है और रेडियस आर के इक्वल है तो एंगल रेडियन में क्या बनेगा आर आर से कैंसल हो जाएगा तो ये इक्वल आ जाएगा टू पाई के अब ये एंगल कंप्लीट सर्कल का निकला रेडियन मैयरमेंट में अब कंप्लीट सर्कल को हम डिग्री में मैयर करें तो 360 डिग्री के इक्वल होता है तो टू पाए इज इक्वल टू थ्री डिग्री हम लिख सकते हैं अब यहां से पाई की वैल्यू फाइंड करनी हो तो टू से डिवाइड कर देंगे या टू राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम आएगा तो थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू करें तो पाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन एटी डिग्री अब पाई इक्वल टू वन एटी डिग्री है अब यहां से अगर हम वन डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो बोथ साइड पे वन एटी से हम डिवाइड कर देंगे वन एटी डिग्री इज इक्वल टू पाए है यहां से हम वन डिग्री की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो वन एटी से बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे 180 को 180 पे डिवाइड करें तो वन डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू पाए बाय वन एटी रेडियन अब इससे साबित ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाए बाय वन एटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर हमने रेडियन से डिग्री में आना है तो 180 ओवर पाए से मल्टीप्लाई करेंगे या पाए बाय वन एटी से डिवाइड कर देंगे अब यहां पे वन डिग्री की वैल्यू है पाए बाय वन एटी रेडियन फॉर एग्जाम्पल हमने सिक्सटी डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिक्सटी से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे वन को सिक्सटी से मल्टीप्लाई किया तो सिक्सटी डिग्री आ गया इज इक्वल टू सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय पाए बाय वन एटी ये रेडियन में होगी मेजरमेंट अब ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा सिक्स थ्री एटीन तो सिक्सटी डिग्री की वैल्यू रेडियन में होगी पाई ओवर थ्री तो ये स्टूडेंट्स मेथड है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एंगल को सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम में मैयर करना सीखा नेक्स्ट लेक्चर में इनकी कन्वर्जन करेंगे डिग्री मिनट सेकंड्स फॉर्म के एंगल को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल फॉर्म के एंगल को डिग्री मिनट सेकंड्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसी तरह डिग्री के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन मैयरमेंट के एंगल को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़